और इस बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर दवा दुकानदारों के हड़ताल पर सरकार जो है वो सख्त हो चुकी है। नकली दवाओं के खिलाफ जारी रहेगी छापेमारी। स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का ये बड़ा बयान इस वक्त आया है। हड़ताल को उन्होंने विरोधियों के साजिश करार दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, दवा दुकानदार जो है तकरीबन 1700 दवा दुकानें जो है आज उसे बंद रखने का फैसला किया था दवा दुकानदारों ने, और इसको लेकर आज जितनी भी पटना की दुकानें हैं वो बंद हैं। और इसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने सख्ती दिखाई है और उनका साफ तौर पे कहना है कि नकली दवाओं के खिलाफ जो ये अभियान है स्वास्थ्य विभाग का, वो लगातार जारी रहेगा। तेज प्रताप यादव ने यह बयान दिया है। हड़ताल को उन्होंने विरोधियों की साजिश करार दे दिया है। और इसी खबर पर सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता अमित झा पटना से। अमित, तेज प्रताप यादव का ये बयान क्या कुछ समझा जाए इसे? जी देखिए, साफ है जिस तरह से दवा दुकानदारों ने हड़ताल किया है, ड्रग कंट्रोल जो लगातार छापेमारी कर रहे हैं उसके खिलाफ, कि उनका कहना है कि जो छापेमारी हो रही है वो गलत हो रही है। लेकिन तेज प्रताप यादव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, सुबह के जब उनसे हमने बात की तो उनका साफ कहना था कि देखिए, नकली दवाओं से कई जगह मौतें हुई हैं, कई जगह से रिपोर्ट आई है, और जब छापेमारी हो रही है तो कई नकली दवाएं मिल रही हैं वहां से, तो किसी के दबाव में हम नहीं आने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा कि कुछ विपक्षी लोगों के इशारे पे ये जो हड़ताल है वो हो रही है, लेकिन छापेमारी जारी रहेगी और जो भी दोषी पकड़े जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। तो साफ स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने कहा है कि जो हड़ताल है उससे कोई फर्क नहीं, यानी इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। अमित, इंटरप्ट करूंगा, माफ कीजिएगा। सवाल ये भी उठता है कि कुछ ही दिन पहले ड्रग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पे बयान भी दिया था कि किसी भी दवा दुकानदार को या दवा के कारोबारी को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। उसके बाद दवा दुकानदारों ने भी और दवा के व्यवसायियों ने भी सवाल उठाया था कि बिहार में नकली दवा जो होती है उसके जांच के लिए कोई लैब है ही नहीं, ऐसे में कैसे साबित होगा कि दवा असली है या फिर नकली? कहना है कि लगातार ड्रग कंट्रोलर जो है वो छापेमारी कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं, क्या कहें? जो गलत हो रहा है, जिस तरीके का ये लोग जो दवा रख रहे हैं, गलत दवा खा करके, और जो हमारे जो बिहार के जनता खासकर गांव के ग्रामीण लोग दवा भर भर के लेकर के जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, कईयों लोग, कितने लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, तो हम उसको उसकी दिन प्रतिदिन उस पर छापेमारी हो रही है और हमारे ड्रग कंट्रोलर उस पर छापेमारी कर रहे हैं, जो नकली दवाएं जो पकड़ा रही हैं तो कार्रवाई हो रहा है उस पर। इस तरीके के कुछ लोग हैं, अब कुछ विपक्षी लोग भी और जो इस तरीके का मुद्दा बनाए हुए हैं और उनको विपक्षी लोग उनको चढ़ा रहे हैं, इसलिए वो लोग धरने प्रदर्शन ये सब काम हो रहा है। तो इससे कुछ होना जाना है नहीं, हमारा जो काम है वो लगातार हम लोग का चलते रहेगा, जारी रहेगा। तेज प्रताप जी, एक और सवाल है जो लालू प्रसाद जी, तो यही बयान दिया है तेज प्रताप यादव ने मौर्य पर, हमने एक्सक्लूसिव ये बयान आपको सुनाया। तेज प्रताप यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अमित झा जुड़े हुए हैं। अमित, सवाल ये भी उठना लाजमी होता है कि दवा दुकानदारों पर लगातार छापेमारी हो रही है जब से ये सरकार महागठबंधन की बनी है, उसके बाद दवा दुकानदार कई बार एकजुट हुए हैं, कारोबारी कई बार एकजुट हुए हैं, और उसके बाद ड्रग डिपार्टमेंट ने ये बयान भी जारी किया था कि बेवजह किसी दवा के व्यवसायी को परेशान नहीं किया जाएगा। उसके बाद कई जगह पर आपत्ति भी दवा दुकानदारों ने अपनी जताई है कि अगर नकली दवा की बात की जाए तो कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि कोई लैब है ही नहीं बिहार में। जी निश्चित रूप से, देखिए एक पॉइंट ये भी है कि जो दवा व्यवसायी कर रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया है कि अभियान उनका जारी रहेगा, छापेमारी जो है वो ड्रग कंट्रोलर के द्वारा लगातार जारी रहेगी, तो ऐसे में बीच का रास्ता वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है कि अगर दवा व्यवसायी जो है हड़ताल पर रहेंगे तो उससे जो गरीब जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान होगी, और यानी कहीं ना कहीं इस पर अब राजनीति होती हुई भी दिख रही है, और दवा दुकानदार जिन्होंने आज हड़ताल किया है उनकी परेशानी कम नहीं बल्कि और बढ़ती हुई ही दिख रही है। तमाम जानकारियों के लिए अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।